अभी चाहे तुम भी अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करो और हर एक जीव कने प्रेम करो, ऊंच नीच छो, उच्चे रुतबे छो, अपना मान हन का हाल कर थोड़ी जो अंबेडकर सेना मूल निवासी और अंबेडकर महिला दल ने कठुआ के वार्ड नंबर 6 में महात्मा ज्योतिराव फूले का जन्मदिन मनाया और बड़ी धूमधाम से मनाया। आप सब देख रहे हैं कि तस्वीरों में जितने भी लोग खड़े हैं उन सब ने जो टी शर्टें पहनी उन टी शर्टों के ऊपर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि पीछे बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं जिन होर्डिंग्स के ऊपर महात्मा ज्योतिराव फूले, नाभादास जी और माता सावित्रीबाई फूले और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें आपको साफ दिख रही होंगी। अब ये देख करके लग रहा है कि बहुजन समाज को ये पता लगने लगा है कि उनके असल में पूर्वज कौन थे और उनके पूर्वजों का संघर्ष क्या रहा है। प्रोग्राम हुआ है ये हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी का जन्मदिन आज हम जहाँ पे मना रहे हैं और साथ में बाबा साहब नाभादास जी का भी जन्मदिन जहाँ पे एक साथ हमने यहाँ एक सेरेमनी करी है। मैं नीलम कुमारी जहाँ की अंबेडकर सेना की मूल निवासी की अध्यक्ष महिला संघ की अध्यक्ष हूँ और मैं जही आपका सभी का जहाँ पे आए हुए जितने भी लोग हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जहाँ पे सभी आए और मैं मीडिया का भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने जहाँ पे अपना जो कीमती समय जो है हमारा लाया और हमारी आवाज़ जो है वहाँ तक दूर तक पहुँचाते हैं उनका मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये जो हमारा जो प्रोग्राम हुआ है बाबा साहब हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी जिनका जन्म 11 अप्रैल को हुआ था 1827 में हुआ था, तो बाकी तो उनकी जितनी भी जीवनी है अगर हम बोलना चाहें तो कितना दिन और कितनी रातें लग जाएं तो वो भी हम उनका एहसान जो है वो नहीं चुका सकते हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे समाज के लिए, खास करके औरतों के लिए। उन्होंने पहले अपनी पत्नी जी को पढ़ाया और उसके बाद वही वो हमारी पहली जो शिक्षा एक स्टूडेंट भी पहली वही थी जो महिला स्टूडेंट और महिला शिक्षक जो है वो भी वही थी। और
ये सब उनकी ही बदौलत से हुआ था, क्योंकि वो उनकी जो सोच थी, वो चाहते थे कि हमारा समाज जो है वो आगे बढ़े। क्रांतिकारी थे वो, उनकी जो हमारी जीवनी थी, उनके उनकी जो सोच थी, उनकी जो लगाई हुई ज्योति, जगाई हुई ज्योति को उन्होंने ज्योति जगाई थी, और उसको जो सफल जो है उसी को देख के हमारे बाबा साहब जी ने उनको आगे बढ़ाया था। इसके तहत ही मैं जितने भी जहाँ पे आए हुए लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। तहसील कठुआ, अंबेडकर सेना मूल निवासी, जिंदी नीब अज साढ़े तक प्रदीप अंबेडकर जी होने पजाई, जिदे कारण अज कठुए दे विच अंबेडकर सेना मूल निवासी की बड़ी ज्यादा तादाद विच लोग साढ़े कन्नै जुड़े दे, और इस अभियान की अहीं जां तक जिदे रहांगे तां तक अंबेडकर सेना मूल निवासी का झंडा जिहड़ा है वह उच्चा ही करते जावांगे। जिथे भी साढ़े लोगों कन्नै धक्का होएगा या कोई भी सताया जाएगा, ये अंबेडकर सेना मूल निवासी उत्थे कंधे कन्नै कंधा मिलाइए उनका साथ देगी। और अज का जिहड़ा दिन है साढ़े महामानव ज्योतिबा फुले हुंदा अज जन्मदिन हा, अहीं उहदे उपलक्ष के उपर केक सैरामनी करिए और सारी दुनिया की सारे लोगों की इस दिन का मुबारकबाद दिने, ताकि जैसे अगे वास्ते भी जिंजा भी सारे रैबरे का जन्मदिन होएगा अहीं इस तरह बड़ी चढ़िए दुनिया में इस चीज़ का प्रचार करके, क्योंकि सारे रैबरे साढ़े को लुकाए गए ने। इस कारण जिसे सानू पता लग गया प्रदीप जी ने सानू दसिया, तो अज अहीं ज्योतिबा फुले हुंदे आ जन्मदिन मनाने हैं, और अगे वास्ते जिन्हें भी रैबरे साढ़े हैं अहीं हर बारी इं ही बड़े हर्षोल्लास करने इनका दिन मना के करके। जय भीम, जय भारत। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।